हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक दी फैमिली व्लॉग। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। और आज जैसे कि पता है आप लोगों को, आज है संडे और संडे को होते हैं सब बच्चे घर पर और हस्बैंड घर पर। सब ज़्यादातर सबके घरों में ये होता है कि आज छुट्टी का दिन है, सब घर पर होते हैं। तो या तो हम अक्सर संडे कहीं चले जाते हैं, लेकिन आज हम कहीं गए नहीं। तो बच्चों ने कहा, मम्मा आज आप बनाएंगी चाइनीज़ डिश घर में, और चाइनीज़ डिश में बनाएंगी फ्राइड राइस जलफ्रेज़ी, क्योंकि चाइनीज़ डिश में मैक्रोनी स्पैगेटीज और चिकन चाउमिन और ये सब चीज़ें खाते रहते हैं बच्चे अक्सर घर में। तो आज जो ये फ्राइड राइस जलफ्रेज़ी होता है, इन्हें कभी कभी अच्छा लगता है। और अब हो रहा है मौसम चेंज और ठंड की तरफ जा रहे हैं हम, सर्दियों की तरफ। तो वैसे भी चाइनीज़ और सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं इसमें। तो मैं बना रही हूँ फ्राइड राइस जलफ्रेज़ी, और आप लोग बताइएगा आप लोग किस तरह का बनाते हैं। क्योंकि मैंने अपनी शादी से पहले ना कोर्सेज़ बहुत किए थे, मतलब बहुत सारे कोर्सेज, जिसमें मैंने फैशन डिज़ाइनर डिज़ाइनिंग का कोर्स किया था, मैंने किया था क्रिस्टल वर्क का, मैंने किया था फ्लावर मेकिंग का, मैंने किया था जूट वर्क का, मैंने किया था उसका ये चाइनीज़ डिश का, और बहुत सारे कोर्सेज, मेहंदी वहंदी सब चीज़ें मैंने सीखी हुई हैं। तो किसी दिन कभी मैं अपने कुछ लेकर आऊँगी सामान, तो मैं आप लोगों को फ्लावर मेकिंग का भी बताऊँगी, फ्लावर्स किस तरह बनाए। बहुत सी चीज़ों के बनाए थे, जैसे कि मैंने बनाए थे वो चीकू के बीज के, मैंने बनाए थे उसके भुट्टे के छिलकों के, और बहुत सारे फ्लावर्स बनाए थे। हर चीज़ के हर बहुत ज़बरदस्त बनाए थे, पर अपनी शादी से पहले। तो एक कंवारे और शादीशुदा के में बहुत फ़र्क हो जाता है, फिर बहुत ज़िम्मेदारी हो जाती है। तो खैर, कभी बनाएंगे तो आप लोगों को ज़रूर शेयर करेंगे आप लोगों के साथ किस तरह मैंने अपनी सीखा है कोर्सेज। तो अब मैं बना रही हूँ फ्राइड राइस जलफ्रेज़ी, क्योंकि मैंने चाइनीज़ का कोर्स किया था, और बच्चे बोलते हैं मम्मा आप बहुत अच्छा बनाती हैं। मुझे बाहर का भी नहीं अच्छा लगता, मुझे बाहर भी चाइनीज़ नहीं अच्छा लगता, मैं नहीं खाती। मैं अच्छा सूप भी घर में बनाती हूँ सर्दियों में, और सूप मुझे बाहर से ज़्यादा अपने हाथ का अच्छा लगता है। वो भी अभी सर्दियाँ आ जाएंगी, तो वो भी हम आपसे शेयर करेंगे सूप की रेसिपी। तो फिर हम बनाते हैं फ्राइड राइस जलफ्रेज़ी, और आप लोगों को दिखाते हैं कि मैं किस तरह बनाती हूँ और कर रही हूँ अपनी रेसिपी शेयर आप लोगों के साथ। और कभी मैं बताती नहीं हूँ किसको भी किस तरह बनाती हूँ, लेकिन मैं आप लोग मेरे फ्रेंड्स हैं और मेरे बहुत क्लोज़ हैं, तो मैं आप लोगों को हर चीज़ शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ फ्राइड राइस जलफ्रेज़ी की रेसिपी, और फिर चलते हैं रेसिपी की तरफ और स्टार्ट करते हैं। पहले मैं सब्ज़ी सारी काट लेती हूँ जिसमें मैंने मंगवाई हैं सब्ज़ी, शिमला मिर्च, बंद गोभी, हरी प्याज और मटर आ चुके हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ही महंगे हैं, लेकिन थोड़े से मैंने मटर भी मंगवाए और गाजर। ये सब्ज़ी सारी काट लूँगी, उसके बाद फिर मैं उसके फ्राइड राइस के लिए मैं तैयार करूँगी सब्ज़ी सारी, उसके बाद फिर मैं जलफ्रेज़ी अलग बनाऊँगी। ठीक है, इतना हो गया, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, तो फिर आपको सब कुछ बताएंगे। मिलते हैं रेसिपी के साथ। जी फ्रेंड्स, तो मैंने देखी सब्ज़ी को इस तरह मैंने सब कुछ काट लिया है। ठीक है, और मैं यहाँ पानी दे दिया, सारा वो वाइपर सब सामग्री करना पड़ेगा, किराया है। दादी बोल रही थी कि आवाज़ स्लो कर रही, थोड़ी सी डाउन डाउन सी भी हो रही है, और चक्कर चक्कर से आ रहे हैं, तो ये वायर में थोड़ा सा डाला है। मैं बना रही हूँ पहले मैं बना लेती हूँ फ्राइड राइस की भी सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो मैंने ऑयल के अंदर जी फ्रेंड्स, तो सब्ज़ी मैंने काट ली थी, तो मैंने सब्ज़ी के अंदर इस तरह ना ये देखें सब्ज़ी मैंने डाल दी ऑयल के अंदर थोड़े से, और उसके अंदर मैंने काली मिर्च डाली पिसी हुई और नमक डाला बस। और अब मैं डालूँगी इसमें से थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, वैसे नहीं डालते लेकिन मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ, रेसिपी में नहीं था ऐसा कुछ भी जो मैंने सीखा उसमें, सिर्फ और सिर्फ इस तरह करने के बाद
इसमें चावल बॉयल डाल देते हैं। अच्छा, मैं थोड़ी सी हरी मिर्च भी डालूँगी क्योंकि बिल्कुल चाइनीज़ हम खा नहीं सकते, इतना फीका होता है, टेस्ट भी नहीं आता, मज़ा भी नहीं आता, घर वाले नखरे अलग करेंगे, इसलिए मैं इसमें डालती हूँ थोड़ी सी ये हरी मिर्च, इस तरह कट करके अलग डाल देती हूँ मैं। और ये हो जाएगा, उसके बाद फिर हम जलफ्रेजी बनाएंगे। इसमें थोड़ा सा कौन सा सॉस डलेगा, इसमें डलेगा सोया सॉस। हाँ, आज थोड़ी तबीयत डाउन डाउन सी हो रही है, पता नहीं क्यों। इसमें डलेगा, ओ माय गॉड, सब लोग को डर रहे हैं। ये रहा सॉस, निकल ही गया तो निकाल ही देगा, क्यों टेंशन ले। आज आवाज़ भी बहुत स्लो स्लो हो रही है, पता नहीं क्यों मेरी आज लग रहा है तबीयत ख़राब होने वाली है। तो हमने ये सॉस डालना है, हमें इसको अपने हिसाब से, ओ माय गॉड, कांच की ट्रे गिर गई। डाल दिया हमने, अब हम इसको थोड़ा सा पका लेंगे। अदरक नमक, किसी ने मुझसे पूछा कि आपकी दो सास हैं। जी हाँ, मेरी दो सास हैं, एक हैं बेड पर और दूसरी चलती फिरती हैं। और आज कैमरा भी पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है टेढ़ा मेढ़ा, सब कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है आज भाई, आज पता नहीं क्या हुआ है। अच्छा, ये हम बन जाएगा, उसके बाद फिर हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर लेते हैं, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा थोड़ा सा, क्योंकि मैं वो वाला बना रही हूँ फ्राइड राइस अल्फ्रेडो जो सबके घर में खा सके, क्योंकि जो है ना जो हमने सीखा उसमें तो भाई बहुत ही फीका, बिल्कुल फीका फीका फीका, बिल्कुल मिर्ची मसाले कुछ भी नहीं थे उसमें। और फिर थोड़ा सा ये हो जाए, उसके बाद फिर हम इसका जलफ्रेजी स्टार्ट करेंगे, चले मिलते थोड़ी देर। जी फ्रेंड्स, तो मैंने ये देखें कच्ची पक्की सब्ज़ी जैसे इस तरह निकाल ली, ठीक है, ये हो गई थी तो मैंने इसको निकाल लिया, और अब इसमें हम चावल में ऐड करेंगे, ठीक है, कच्ची पक्की ही निकाल लेना चाहिए बेहतर है। तो अब ये देखें, अब मैं इसमें बना रही हूँ जलफ्रेजी। पानी हो गया था इसमें, पानी निकाल ली थी। ये देखें, इसमें डाला मैंने ऑयल, इसमें भी थोड़ा सा डालेंगे हम ऑयल। अच्छा, चाइनीज़ में एक फ़ायदा है कि आपको ऑयल भी कम डालना पड़ता है, मसाले भी नहीं होते ज़्यादा, और टमाटर प्याज ये सब चीज़ें नहीं होती, अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। चिकन को मैंने कहा कोई पीस कर लूँ, आज जो जो मेरे रिलेटिव, मेरे नन, मेरे अम्मी, मेरी तो सबके मुँह में आज पानी आ जाएगा, और आज तो खतीजा ने फ्राइड राइस जलफ्रेजी बना लिया। तो जी फ्रेंड्स, ऑयल गर्म हो गया है, उसके अंदर हम डाल देंगे चिकन, बस लो आँच कर लेते, अच्छा ना हमारे ऊपर ही उड़ गया। स्पून निकालेंगे थोड़ा सा वाइट होने तक, अच्छा इसमें पीस भी डालते हैं, छोटी छोटी बोटियाँ भी डाल सकते हैं, पर बच्चे जब बार बार तंग करते हैं, बोटियाँ समझ नहीं आती उनको, तो बड़े 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 पीस डाल दिए, तो मैं बड़े ही डाल देती हूँ, क्योंकि फिर छोटी छोटी बार बार मांगते हैं, सबसे एक आध दो बोटी खाएंगे उनको समझ में आ जाएगा,
ये मैंने काली मिर्च पाउडर इसमें डाल दिया है चिकन के साथ ही, चिकन ताकि इस पर लग जाए ये ब्लैक पेपर। और मैंने कम सॉल्ट डाला है इसमें, ठीक है। अब ये इसे इस तरह स्पून से थोड़ा सा वो कर लेंगे, उसमें चावल निकालने हैं मुझे। चावल को मैं पानी में भिगोऊंगी आधा घंटा, उसके बाद फिर मैं पकाऊंगी जी। फ्रेंड्स को ये देखें इस तरह का हो गया ये देखिए, ठीक है। अब मैं इसमें डालूंगी ये चिली सॉस, केचप भी ला के देना बस फ्रिज में से। अच्छा ये इसमें, इसकी टेंशन ये नहीं है कि यूँ हो जाए फलाना हो जाए, इसको गलने दें, इसके साथ मसाले भून लें। मेरा ये हो गया चिल्ली सॉस ख़त्म। अच्छा तो इसमें ये मसाला नहीं, इसमें सब डाल के आप चिकन के साथ कर चढ़ा दें। बहुत से लोग अलग अलग टेंशनों से चिली बनाते हैं, मैं तो समझ में नहीं आता। पकना एक तरह ही है तो फिर इतना भूनो, मसाला डालो, बॉईल करो, उसके बाद फिर। तो ये है देखें घरेलू औरतों के काम, थोड़ा सा पानी मिलाया और फिर डाल दिया इसमें है ना भाई, ऐसे ही करना चाहिए। अच्छा तो हम इसमें ऐड करेंगे केचप भी, ये केचप ऐड किया हमने इसमें। और फिर हमने इसको इस तरह, अच्छा ये गाढ़ा हो जाता है वो क्यों, हम इसमें टमाटर भी ऐड करेंगे और थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला जो हमें सिखाया था, ये हमें वहाँ पर रेसिपी में उन्होंने बताया था कि आपने जल फ्रीज में ये डालना है क्योंकि कलर आएगा इससे। और सेकंड थोड़ा सा गरम मसाला डालना है और प्याज होती है प्याज, कच्ची प्याज डालनी है और शिमला मिर्च डालनी है, ठीक है। इसको हमने यहाँ रख दिया। अब हम टमाटर, ये मैंने टमाटर इतने ले लिए हैं, टमाटर बहुत महंगे हैं भाई, देख के चलाने पड़ेंगे। इसे हम बिल्कुल बारीक बारीक सा, बिल्कुल बारीक बारीक होते ना, बारीक बारीक जैसे बहुत ज़्यादा चॉप कर लेना टाइप, जैसे इस तरह कर लेंगे हम इसे, ठीक है। जब मैंने नए नए ये सीखा था तो अम्मी मुझे बहुत डरती थी, कहती थी ज़ाया करोगी चीज़ें। और मैंने एक आध दफ़ा करी भी थी ज़ाया, क्योंकि शादी के शुरू शुरू में जब मेरे ये हस्बैंड मंगेतर थे तो याद है, तो मुझे बहुत शौक़ था पका के खिलाने का, तो फिर मैंने ज़ाया भी की। फिर मैंने शादी के बाद भी बहुत बनाई, लेकिन अब तो मैं बहुत टेंशनों से पकती थी भाई, इतना एक तरफ बॉईल करें, एक तरफ ये बॉईल करें, एक तरफ वो बॉईल करें। फिर मैंने कहा पकनी ही जब ऐसी है तो क्यों ना एक साथ ही पका के टेस्ट किया जाए। तो वो मैंने जब टेस्ट किया मैंने कहा ये बिल्कुल सही है भाई, इतना चाइनीज़ को इतना टेंशन बनाया हुआ है, यूँ करें फलाना करें, चाइनीज़ बहुत आसानी झटपट तैयार हो जाता है। ये एलईडी की आवाज़ कम करो, कहाँ चल रही है इतनी तेज, बोलो कम करें बस। और इसकी खुशबू से ही भूख लग जाती है, बस एक बात है, चाइनीज़ पकड़ा हो और उसकी खुशबू से ही भूख लगने लगती है। अच्छा मैंने जब से ये टैबलेट स्टार्ट करी है थोड़ा सा मैं खाने पे भी बड़ा कंट्रोल, पता है क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे साथ बड़ा प्रॉब्लम हो रही है, मेरा पेट जो है ना बहुत गड़बड़ कर रहा है, मतलब मैं रात में भी सो ही नहीं, मेरे पेट में इस कदर तकलीफ़। और वो जो मैं जो स्लिम टी पी रही हूँ दोपहर में, शायद उससे हो रहा है क्या है, लेकिन आज मेरी तबीयत बहुत डाउन हो रही है, चिड़चिड़ापना हो रहा है बच्चों से भी। मेरा फिर शोर कर रही हैं आप। मैंने टमाटर इस तरह बारीक बारीक काटने के बाद मैंने इसमें डाल दिया। अच्छा थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी मैं इसमें, अदरक लहसुन भाई मस्ट है, पेट में दर्द हो जाता है लहसुन ना डालना जाए तो। और एक शिमला मिर्च मैंने बचा ली थी जो मुझे इसमें डालनी है, अब हम इसे थोड़ा सा ढक देंगे, ठीक है। उस तब तक हम काटते हैं शिमला मिर्च। क्या फिंगर्स में भी दर्द हो रहा है, मेरी इतनी वीकनेस हो रही है मुझे। शिमला मिर्च इस तरह के काट लें आप बारीक बारीक,
ज़्यादा बारीक ना हो कि वो बिल्कुल ऐसे हो जाएं हलवा जैसे। ठीक है, तो आज संडे, आज तो मासी भी नहीं आती ना, सारा काम भी घर का करना पड़ता है, थकन लग हो जाती है। इस टाइप में मैंने सारी शिमला मिर्च, अच्छा बच्चों के अंदर आदत पड़ी है, चाइनीज़ बनाए चाइनीज़ बनाए, लेकिन चाइनीज़ की सारी सब्ज़ी निकाल देते हैं, सब फेंक देते हैं, फ़ायदा कुछ नहीं है, इतनी महंगी सब्ज़ी हो गई है। और बच्चे ना हमारे क्या बोले। अच्छा एक प्याज ले लिया मैंने, प्याज को हमने पता किस तरह काटना है, हमने काटना है ऐसे जैसे हम ऑमलेट बनाते ना, बिल्कुल इस तरह चकोर प्याज जो होती है। इस तरह हमने प्याज को चकोर चकोर बारीक बारीक पीस में काटना है, क्योंकि बड़ी बड़ी नहीं डलेगी, और ऐसी डालनी है कि बस डालनी है और बस चूल्हा बंद कर देना है, क्योंकि ये नहीं आपने कि बहुत पकाना है इसको। चाइनीज़ का नाम ही है कच्ची कच्ची चीज़ें खाने का। पहले लोग ज़्यादातर नहीं खाते थे चाइनीज़, लेकिन अब तो ज़्यादातर लोग चाइनीज़ खाते हैं, ज़्यादातर लोग। मेरे भाई नहीं खाते थे, बहुत नखरे करते थे, ये क्या है क्या है, लेकिन जब शादी का बनाती रही तो सब ट्रेन हो गए हमारे घर में, और माशाल्लाह हमारे घर में हर कोई इंतज़ार में होता है आप ही आएँ और चाइनीज़ खिलाएं, या आप ही अपने घर बुलाएं और चाइनीज़ खिलाएं। आज बिस्मा मेरी वीडियो देखेगी तो कहेंगी अरे आप ही ने फ्राइड राइस अल्फ्रेज़ी बनाई। अच्छा आप तो सबको मैंने बता दिया है, सब बना लेते हैं, छोटी वाली सिस्टर भी बना लेती हैं। तो ये देखेंगे अब टमाटर मेल्ट हो रहे हैं, सब मिक्स हो रहे हैं, तो अब हम इसमें ये भी ऐड कर जो हमने काटी थी, और इसको थोड़ी देर पकने देंगे, ज़्यादा नहीं वरना सब वैसा हो जाएगा। बीच में थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं, और तब तक हम अपने चावलों को बॉईल करने रखते हैं, मतलब तो मैं उसको भीगने रखूँगी चावलों को, थोड़ी देर भिगाऊँगी, उसके बाद फिर हम चावलों को बनाएंगे फ्राइड राइस मतलब। चलो अब मिलते हैं थोड़ी देर में, जब तक चावल को मैं बॉईल करने जब लगूँगी उसके बाद फिर आपको दिखाती हूँ। जी फ्रेंड्स, मैंने तो इसमें ये बताया नहीं था कि इसमें लाल मिर्च पिसी हुई और थोड़ा सा गरम मसाला डलेगा, तो ये मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च ली है और पिसी हुई लाल मिर्च लेनी है, कुटी हुई मत ले लीजिएगा, और थोड़ा सा इसमें हम गरम मसाला ऐड कर देंगे, बस दैट्स इट। इसके अलावा हमें कुछ नहीं डालना है इसमें, थोड़ा सा गरम मसाला। अब जब ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा और हम आपको दिखाएंगे कि किस कदर गाढ़ा और किस कदर कलर में अच्छा हो जाता है ये। चलिए इसको छोड़ देते हैं पकने के लिए और मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। जी फ्रेंड्स, मैंने पांच चावलों का पानी रख दिया है, ठीक है, और मैं अब इसमें डालूँगी ये दो तेज़पात डाल दूँगी, थोड़ा सा अपने बिरयानी की जी फ्रेंड्स, तो देखिए हमारे चल देखिए हमारा फ्रिजी रेडी हो गया है,
कदर गाढ़ा हो रहा है, देख रहे हैं आप जैसे सूप होता है ना। हालांकि मैंने इसमें कोई वो, बहुत से लोग इसके अंदर वो ऐड कर लेते हैं कॉर्नफ्लोर, लेकिन मैंने इसमें कोई कॉर्नफ्लोर यूज़ नहीं करा। ये देखो जैसा ही मज़े का होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसको बिल्कुल बंद कर देंगे, हो गया हमारा रेडी। और हम चलते हैं चावल की तरफ। चावल का पानी और चावल बॉयल हो रहे हैं हमारे। बॉयल हो जाएंगे फिर हम इसके साथ इसमें सब्जी करके से दम पे लगा देंगे। फ्रेंड्स ये देखिए, ये अंडे मैंने 3 ले लिए हैं। अब मैं इन्हें तलूँगी, मतलब अंडे को फुल फ्राई करूँगी। पकौड़ आए हैं यहाँ पर, अभी तो हमारे मेहमान आए हैं, तंदूरी और देखें, ये देखें जलफ्रेजी और ये हैं फ्राइड राइस जो कि मैंने रखा है दम पर। कैसे यम्मी लग रहे हैं ना, मज़ेदार। जल्दी से खा लूँ मैं, तो ये अब दम हो जाएंगे तो हम इसको फिर डिश आउट करेंगे। चले फ्रेंड, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। फ्रेंड्स देखें इसका कलर और ये फ्राइड राइस का कलर, यम्मी मज़ेदार। फ्रेंड्स सीजल फ्रेजी और फ्राइड राइस हमारा रेडी हो गया है और यहाँ पार्टी हो रही है। फ्रेंड्स तो हम लोगों ने खाना खा लिया है, हमारे घर में गेस्ट भी आ गए थे और मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। बहुत मज़े की रेसिपी होती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जिस तरह मैं बनाती हूँ आप लोगों को भी ज़रूर मज़ा आएगा खाने में। और आप लोग को आता होगा, इतना तो आजकल नेट बता देता है सब कुछ, तो आप लोग भी ट्राई करें ज़रूर और दुआ में याद रखिएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।